गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है जितेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टॉलर। सो इस टाइम हम है उसी ढाबे पे जहाँ पे मैंने लास्ट ब्लॉग अपना ब्लॉग में एंड किया था। अब चलते हैं यहाँ से सिंकुला पास, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर है, और रात का स्टे हमें करना है वहीं पर, यानी कि गोम्बू रंजन पे। वहाँ पर हमें टेंट भी इंस्टॉल करना है। तो मिलते हैं आपको सीधा मोटो ब्लॉग में। सो गाइस आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद और रिफ्रेशमेंट लेने के बाद अब हमारी एक बार फिर से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से सिंकुला पास ले, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली है 20 किलोमीटर। तो ये अपनी राइड का पहला पास होगा जिसको हम करेंगे आज कवर। तो उसके बाद जाके हम पहुँचेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट गोम्बू रंजन। यो बाय। तो कुछ नज़ारा यहाँ का कुछ अलग सा ऐसा है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा जिस्पा और सीसु के आसपास, वहाँ का जो लैंडस्केप था टोटली डिफरेंट था। वहाँ पे थे ग्रीनरी माउंटेन और यहाँ पे आपको देखेंगे इस टाइप के माउंटेन जो कि टोटली है पत्थर वाले, पत्थर मछली वाले कहेंगे भाई। यहाँ पे तो ग्रीनरी के नाम पे कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन इसकी ब्यूटी और उसकी ब्यूटी दोनों की अलग अलग थी भाई। तो चलिए इंजॉय कीजिए अपनी ये जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो बताए क्या करना है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं तो फिर बाद। Moments later. So guys, अपने साथ लगी हुई भी प्रौती, जैसे कि आपने देखा वो तो थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि मोबाइल और कंट्रोल कहीं गिरा नहीं। पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, जो ड्रोन की कंडीशन हुई उसके वजह से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैंने जो कंट्रोलर था मोबाइल बैग के अंदर नहीं डाला और वहीं पर, और बीच में वाटर क्रॉसिंग भी पड़ी, लेकिन किस्मत ठीक थी कि सही सलामत आया। तो अब दिखाता हूँ मैं यहाँ से एक बेहतरीन सा व्यू, ये देखिए पूरी वैली। ऊपर से आ रहा है ग्लेशियर से पीछे, और ये देखिए हेयर पिन वैली, खतरनाक। One hour later. ठीक है, खड़ा होना पड़ेगा। तेरा आगे का नीचे का क्राउल है, वो नीचे वाला वो लगेगा। मेरी तो कितना ठीक है। कैसा रहा आपका ये वाटर क्रॉसिंग वाला एक्सपीरियंस? कभी ना भूलने वाला, क्लियर। काफी अच्छा था एक्सपीरियंस मैंने में जो है कि ये लाइफ मेमोरेबल मोमेंट रहा हमारा वाटर क्रॉसिंग का, जिसे हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेस किया। तो उम्मीद करता है आपको काफी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है बताइए, आपको लाइक बटन दबाना है और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं। सो गाइज अब जाके 3 दिन बाद वो लम्हा आई गया जिसके लिए हमने चूज़ किया था जासकर वैली। जी हाँ, रोड की कंडीशन देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा हम बात कर रहे हैं इस ऑफ रोडिंग राइडिंग एडवेंचर की। तो अब यहाँ से 3 दिन यानी कि कारगिल तक हमको ऐसी ऑफ रोडिंग मिलने वाली है, तो मज़ा आने वाला है मज़ा। और लुक एट दिस व्यू गाइज, क्या खूबसूरत स्काई है, टोटली ब्लूइश कलर का है। और मैं बीच में देख ही रहूँगी आपको
व्हाइट कलर के क्लाउड, ओह मज़ा आ गया। ऐसा नज़ारा आपको बहुत कम मिलता है शहर में, क्योंकि वहाँ पे होता है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन में आपको पता ही है क्लाउड तो दिखेंगे नहीं। तो चलिए चलते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ की जर्नी का, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और अभी हमने लिया थोड़ा सा हॉल्ट, और ये है छोटा सा ढाबा कहेंगे या फिर पॉइंट कहेंगे, जहाँ पे पीते हैं चाय या फिर कुछ खाने को मिलते तो कुछ करते हैं। और मेरे ख्याल से जो आपको ये दिख रहा है ये है गुम्बोरजन, अगर मैं गलत ना हूँ, मुझे तो यही लग रहा है गुम्बोरजन यही है। तो भी देखते हैं क्या पता चलता है बाद में ये यही है या फिर कोई और है। चलिए पहले पीते हैं चाय पानी, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मैं कह दो रहा हूँ भाई, इसकी उम्र हो गई है, इसको अभी से मीठा कम चाहिए, डायबिटीज का मरीज है। मीठा किसे कम कम चाहिए बताइए। नॉर्मल चलेगा भाई, मुझे स्पीड आउट हो रहा है इस बंदे का, मुझे डाउट है क्या नॉर्मल चलेगा भाई। जवान आदमी है, मीठा तो दबा के लीजिए भाई, है ना भाई। कि आप जिस पति को कैसा लग रहा है? एकदम बेहतरीन, मजेदार मजेदार। बोर तो नहीं करा रहे? अरे तुम्हारे होते हुए बोर ही नहीं हो सकते भाई। बस ज्यादा बच्चों दी लेना बता देना और मेरे पार्टनर कुछ कहना चाहोगे चाय के बारे में? आपके बारे में क्या कहें, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। चाय के बारे में पूछा मैंने, चाय तो अच्छी बनी हुई है। और हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि गोमोरजन पर्वत सामने वाला है, तो दिखा दे रहा हूँ। तो जो सामने वाला जो दिख रहा है वो ही है गोमोरजन, क्योंकि अभी अंकल ने श्योर कर दिया कि यही गोमोरजन है। अंकल जी, ये गोमोरजन पर्वत कौन सा है बता दीजिए हमें को। ये जो सामने दिख रहा है वही है? हाँ वही है। पक्का? पक्का है। कितने दूर यहाँ से चल पाए, पहुँच पाएंगे? कितने टाइम लगेगा पहुँचने में? 15 मिनट। 15 मिनट 20 15। ओहो थैंक यू सो मच। जेडी स्टॉलर हाथ से नाप लेता है, मुझे लग रहा है कोई चिढ़ रहा है भाई। कोई चिढ़ रहा है शायद भाई, ये मेरा कॉम्पिटिटर है लेकिन ये चिढ़ता बहुत है भाई, क्या बताऊं। तो जल्दी से चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधा गोमोरजन पर्वत के पास, वहां पे करते हैं अपना टेंट को इंस्टॉल। चलो मजा आ गया। सो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं कैंपिंग साइट पे, लेकिन उससे पहले क्या प्रॉब्लम क्या है, ये टिपिकल वाली वाटर कोर्स जो आप दिख रहे हैं ना, ये वहां तक काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर तो वाटर क्रॉसिंग है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई और लोग रह हुए रेडी, उन्हें पहले ये गम बूट में और लगा दिए पॉली बैग। मेरे व्यक्ति से पानी आता नहीं आता है मेरा जो है गम बूट, वैसे तो पानी आना नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता किस्मत ख़राब हो रही है, चल रही है पानी आ जाए। तो मिलते हैं सीधा मोटर ब्लॉग में और क्रॉस करते हैं ये वाली वाटर क्रॉसिंग। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। One hour later. So guys, time हो चुके हैं शाम के 7:30 और हमारा कैंप फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद इंस्टॉल हो गया है, और उसको लगाने में काफ़ी लोगों के मूड खराब हुए, लेकिन अब हमने कहा एक चपाती सही हो गया। तो अभी हम इस टाइम आए हैं रात का डिनर करने के लिए। एक ये है छोटा सा ढाबा जिसका नाम है सोनम ढाबा, या फिर कह सकते हैं तेंजिंग ढाबा। अब मैं आपको सुबह बताऊँगा खाने में आपका अवेलेबल चीज़ है। खाने में आपका दाल और सब्जी मिक्स है और रोटी, उसके साथ एक आपको चावल मिल जाएगा और इसमें गर्म पानी।
तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद शाम को हर कैब में जाके सो जाते हैं। एक्चुअली मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, दिल में से हमारा एक फ्रेंड है उसका नाम लवेनिया, उसकी थोड़ी हालत खराब हो गई ठंड के मारे, लेकिन उसका भी हम इंतजाम कर देंगे थोड़ी देर बाद, उसके लिए मेडिसिन लेके आए हैं और साथ साथ उसके भाई मेडिसिन देंगे, उसके साथ हम प्रोटीन बार है और जो भी है तुम्हारे पास ही है, मुझे पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं है ठीक है। और उसके साथ हमने उसके लिए बनाया है, भैया से कहा थोड़ा सूप बना दीजिए और बाकी हम प्रोटीन बार और प्रोटीन शेक से दे देंगे, जिससे कि उसे थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए और बंदा कल तक चेंज हो जाए। तो मिलते हैं कल तक, और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग काफी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय जय राम।